देश भर में 21 सरकारी और 9 निजी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें कर्मचारी के 4 और अधिकारी के 5 यूनियन शामिल होंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा के मुताबिक पुराने निजी बैंक जो यूनियन से जुड़े हैं उनमें कामकाज नहीं होगा। इनमें फेडरल कर्नाटका, करुल वैश्य, धनलक्ष्मी, लक्ष्मी विलास बैंक शामिल है। सरकारी बैंकों के मर्जर के विरोध में और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला लिया। सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के मर्जर का फैसला लिया है। कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 8% वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। बैंक कर्मचारी संघों को यह मंजूर नहीं है। वेतन वृद्धि नवंबर 2017 से बकाया है। कर्मचारियों की यूनियन की एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी हड़ताल है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कंट्रेशन से जुड़े कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहा। सोमवार को बैंक खुले, लेकिन मंगलवार को फिर क्रिसमस की छुट्टी रही। इस तरह पिछले 5 दिनों में बैंक में सिर्फ एक दिन काम हुआ।